हाँ जी आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर है हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून पिंकी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ जितने भी लोग मेरे लाइव सेशन को एक बार देख रहे हैं मुझे आप लोग एक बार बता दीजिए आपको मेरी ऑडियो क्लियर है हाँ वॉइस अभी आ जाएगी

हमारा कोई भी थेफ्ट का अपराध हो कोई भी एक्सट्रशन का अपराध हो कोई भी रॉबरी का अपराध हो या कोई भी अपना का अपराध हो यहाँ पे जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इंटेंशनिया का लेवल है वो कौन सा लेवल है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए और मेरी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है जो कि है वो अब एक्ट को करने से पहले होनी चाहिए ये बात आपको याद रखनी है कि मेरी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो एक्ट करने से पहले होनी चाहिए यानी कि अगर मैं चोरी करने का किसी के घर पे मन बना रहा हूं तो जिस टाइम मैंने मन बना लिया अभी एक्ट नहीं है मैंने चोरी करी नहीं है तो चोरी करने से पहले मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया भाई मेरी है। तो ये हमारा थेफ्ट का बनेगा या मेरी को किसी को करना है, तो करने से पहले अपनी अगर मुझे रॉबरी करनी है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन मेरी जो है रॉबरी करने से पहले बनेगी अगर मुझे डकैती करनी है तो वो मेरी अपना पर्टिकुलरली मेनसी या पहले होगी तो अगर मेरा थेफ्ट का अपराध है एक्सट्रोशन का अपराध है रॉबरी का अपराध है डेकोइटी का अपराध है तो वहां पे जो मैंिया मांगी गई है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन की मांगी गई है और वो एक्ट करने से पहले मांगी गई है ये चीज हमें याद हो जाती है ठीक है ये चीज हमें याद हो जाती है ठीक है बहुत बढ़िया बात है तो एक मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि भाई जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन मांगी गई है वो अपनी बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस मांगी गई है अब एक क्वेश्चन समाज में आता है भाई ये डिसऑनेस्ट होता क्या है वट डू मीन बाय डिसऑनेस्ट कोई मुझे बता सकता है

तो मैंने जो अपने आपको फायदा पहुंचाया है लीगली तौर पे मैं ऐसा फायदा पहुंचाने का हकदार हूं नहीं हूं तो एज पर सेक्शन 23 मेरा जो ये कार्य है ये क्या माना जाएगा रॉन्गफुल गेन माना जाएगा और मेरा रॉन्गफुल गेन हुआ है और आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ है अपने आप में सेक्शन ट्वेंटी के तहत डिसऑनेस्ट मेरी हरकत रहेगी इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है तो अगर मेरे को चोरी का प्राद करना है, का, 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 का चलिए यह भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं कि यह जो मेरा चोरी का अपराध है ना यह भाई पोजेशन के अगेंस्ट में जो मेरा यह चोरी का अपराध है यह मेरा पोजेशन के अगेंस्ट में ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं है यह सभी लोगों को पता होगा लेकिन मैं आपको इसके लिए थोड़ा फसाना चाहूंगा मैं इस चीज के लिए आप लोगों को फसाना चाहूंगा जैसे कि ये हमारा पोजेशन के अगेंस्ट में है या माना ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं होता ये सीधी सी बात है इसको थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं यहाँ पे जो मैं आपको ये बता रहा हूं ये याद करने वाली बात है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चोरी का अपराध है वो हमारा पोजेशन के अगेंस्ट में आता है या फिर वो हमारा ओनरशिप के अगेंस्ट में आता है तो आपको याद रखना है जो चोरी का अपराध है वो हमारा

ठीक है यहां पे लिखा हुआ है हमारा सेक्शन नंबर 378 में कि अगर कोई भी व्यक्ति हु एक सेकंड हाँ अब क्लियर आ जाएगा हाँ तो यहां पे लिखा हुआ है हु मतलब कि लड़का या लड़की या अपना थर्ड जेंडर जो होता है इंटेंडिंग क्या है उनकी डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्टली हमारे को कहा डिफाइन है डिसऑनेस्टली वर्ड हमारे को ट्वेंटी के अंदर डिफाइन है गलत इरादे से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो यहां पे एक बात और क्लियर हो जाती है कि भाई ये जो हमारा चोरी का अपराध है ये केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लागू होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे को कहा बताऊंगा क्या होता है और यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दी पोजेशन आउट ऑफ दोजेशन तो ये अपराध जो है हमारा पोजेशन के खिलाफ होता है ओनरशिप के खिलाफ नहीं होता अभी बस इतनी सी बात पढ़ते हैं अभी बस हम बस हम इतनी सी बात पढ़ते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे को कहां समझ में आया कहां पे डिफाइन है सेक्शन नंबर 22 के अंदर डिफाइन है 22 के अंदर बोल रखा है कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कोई भी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसकी कानून की नजर में वैल्यू हो वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ कि कानून की नजर में ऐसी प्रॉपर्टी हो जो खरीदी जा सकती हो लीगली तौर पे बेची जा सकती हो लीगली तौर पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो बेच सकते हो वो आपकी चुरा ली जाती है कोई व्यक्ति आपके पोजीशन से उठा के लेके चला जाता है तब यहां पे चोरी का मुकदमा बनेगा वरना चोरी का मुकदमा बिल्कुल नहीं बनेगा इतनी बात क्लियर हो जाती है चलो वरना आपका चोरी का मुकदमा जीवन में कभी नहीं बनेगा याद रखना जैसे कि अगर मेरे घर पर ड्रग्स रखे हुए हैं और एक ए नाम का व्यक्ति आया मेरे घर से ड्रग्स लेके चला गया तो अब क्या मैं पुलिस में जाके एफ दर्ज करा सकता हूं कि जैसा पुलिस ऑफिसर मेरे घर पे ड्रग्स रखे हुए थे और वो ड्रग्स कोई मेरे चुरा के ले गया पहली बात यहां पे हमने क्या पढ़ा कि चोरी का अपराध जब भी बनेगा जब कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है और आपके पोजिशन से कोई लेके चला जाता है तब चोरी का मुकदमा बनेगा तो ऐसे केस में जो चोर था उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी हाँ भाई बिल्कुल थी और जो मेरे घर पे रखा हुआ था तो ये जो ड्रग्स हैं ये मेरे पोजीशन में है हाँ भाई मेरे पोजीशन में है अब इस केस के अंदर अगर कोई व्यक्ति और ये ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं बिल्कुल लेके जा सकते हैं अ क्वेश्चन क्या ये ड्रग्स अपने आप में कॉर्पोलर प्रॉपर्टी है बताओ क्या ये ड्रग्स अपने आप में कॉर्पोलर प्रॉपर्टी है आंसर इज नो ये ड्रग्स अपने आप में कॉर्पोरल प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसे केस में इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो जब ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो चोरी का मुकदमा कैसे दर्ज होगा अब जब डिसऑनस्ट इंटेंशन हो आउट ऑफ द पजेशन हो वो बात की बात है भाई जब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो चोरी का मुकदमा बनेगा नहीं बनेगा इतनी सी बात क्लियर हो जाती है चलिए लेकिन जो बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनी होती हैं जो बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनी होती है मेडिकल कंपनी होती है जो दवाइयां बनाती हैं भाई उनके गोदामों के अंदर उनकी फैक्ट्रियों के अंदर इतने भारी मात्रा में ड्रग्स पड़े रहते हैं है हाँ ना अब जब वो दवाई वालों के पास लाइसेंस होता है सब कुछ काम लीगली होता है अब उनके पास के द, द, फैक्ट्री में जाके कोई ए नाम का व्यक्ति ड्रग्स चुरा लेता है तो अब क्या ये कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी है बिल्कुल है यार तब तो खरीदा बेचा जा सकता है ऐसे ड्रग्स को ठीक है तो जो फैक्ट्री वाले हैं जो अपना दवाई बनाने वाले हैं वो तो लीगली तौर पे खरीद रहे हैं लीगली तौर दवाइयां बना के बेच रहे हैं हा है ना तो ऐसे केस में जब ये ड्रग्स चोरी होगा दवाई वालों के पास से मेडिकल फैक्ट्री वालों के पास से तो तब ये अपना चोरी का मुकदमा दर्ज होगा तब होगा तब आंसर इज यस क्योंकि तब ये अपना कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मानी जाएगी वैल्यू इन आईज ऑफ लॉ मानी जाएगी ठीक है चलिए ये भी हमारे दिमाग में क्लियर हो गया अब बात आती है किडनी की किडनी का मैंने ऐसे ले लिया एक बार बताओ ए नाम के व्यक्ति है डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो डॉक्टर ने क्या करा ए नाम के व्यक्ति की किडनी किडनी निकाल ली और किसको किस, किस, के किस में डाल दी बी की बॉडी में डाल दी बी की बॉडी में डाल दी नाउ देयर इज अ क्वेश्चन क्या यहां पे डॉक्टर ने किडनी की चोरी करी है क्या यहां पे डॉक्टर के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज होगा किडनी का द आंसर इज नो क्या किडनी को लीगली तौर पे खरीदा या बेचा जा सकता है नहीं जा सकता भाई अगर ये बेचा नहीं जा सकता तो ये movable property में नहीं आएगा अब अगर अगर क्योंकि property नहीं है है? ठीक तो के क्या, आ, क्या के ऊपर ऊपर क्या अपराध अपराध बनेगा? बनेगा अपना। अगर मैं IPC की बात कर रहा केवल, अदर कानून में वगैरह वगैरह वो अलग कानून है उनमें भी डॉक्टर जाएगा बुक होगा लेकिन आईपीसी के, के, के लिए कैसे जब एक ही बॉडी में चीरा लगाया होगा बॉडी को काटा होगा फिर किडनी निकाली होगी वो तो अपने आप में बॉडी को काटना तो एक, एक ग्रीवियस है नहीं है ठीक तो है ये भी, भी चीज मेरे दिमाग में पॉइंट के रूप में क्लियर हो गई अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं सबको क्लियर है ना तक ठीक है अब इस केस के अंदर एक और बात आती है यहां पर वर्ड यूज करा था आउट ऑफ दी पोजिशन अब ये पोजेशन का मतलब क्या होता है भाई देखो पोजेशन का मतलब सिंपल है किसी चीज का आपके पास पोजेशन है वो कब माना जाता है क्या आपके कब्जे में जब ही माना जाएगा भाई देखो जब तो माना ही जाता है लेकिन दो बातें आती हैं एक आता है एनिमस एनिमस होता है कि आपके पास इंटेंशन है या अथॉरिटी है आपके पास इंटेंशन है या फिर अथॉरिटी है टू एक्सक्लूड अदर्स टू एक्सक्लूड अदर्स ठीक है यानी कि आपके पास कोई सामान है आप धक्के मार के मेरे को बाहर निकाल सकते हो अपने घर में घर से या आपकी गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं और आपकी गाड़ी आप चला रहे हो और आपके नाम पे है या फिर आपके पोजीशन में कब मानी जाएगी जब आपके पास अधिकार होगा अपनी गाड़ी में बैठे हुए मुझे घर एकदम बाहर निकालेगा नहीं मेरी गाड़ी से बाहर निकलो मेरी गाड़ी को छुओ मत मेरे मोबाइल को मत छुओ मेरे लैपटॉप को मत छुओ तो इसका मतलब क्या है आपके पास अधिकार है किसी अन्य व्यक्ति को एक्सक्लूड करने का हाथ ना लगाने का टच ना करने का अथॉरिटी है मेरे मोबाइल को मत टच करो मेरे जेब को हाथ मत लगाओ समझ रहे मेरी बात इसीलिए इस चीज को बोला जाता है एनिमस कॉर्पस क्या होता है कॉर्पस होता है आपके पास क्या है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होना ठीक है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होना इसका मतलब क्या है वही मोबाइल आपकी जेब में है आपके पास अथॉरिटी है कि आपके कोई को आपकी, की वो जो वो आपकी ही जेब में है जो गाड़ी है वो आपके हाथ में है समझे मेरी बात आपने किसी अपने दोस्त यार को गाड़ी चलाने के लिए नहीं दे रखी अगर ये दो चीजें आपके पास होंगी तो ये माना जाएगा आपके पास पोजेशन होगा एनिमस मतलब एक्सक्लूड करना दूसरों को

मैं मैकेनिक के पास लेके गया भाई साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है प्लीज भैया ठीक कर दो मैकेनिक वाले ने कहा भैया मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा आप गाड़ी यहीं छोड़ जाओ मैंने कहा भैया ठीक ठीक है करके मेरे को कॉल कर देना अब मैंने अपनी गाड़ी का पोजेशन किसको दे दिया मैकेनिक वाले को दे दिया अब ये पोजेशन मैकेनिक वाले के पास कब आएगा जब उसके पास एनिमस होगा जब मैकेनिक वाले के पास कॉर्पस होगा तो एनिमस आ गया कि अब गाड़ी जो है मैकेनिक वाले की परमिशन के बगैर कोई भी नहीं लेके जा सकता कोई उसका दूसरा मैकेनिक भी लेके नहीं जा सकता जब ये मैकेनिक वाला परमिशन देगा तो ही हाथ लगाओ गाड़ी को, को तो ही गाड़ी में बैठो हाँ है ना क्यों क्योंकि तो मैं एज अ ओनर मैकेनिक वाले को क्या दे दिया एनिमस दे दिया अथॉरिटी दे दी कि भाई तेरे अलावा कोई नहीं छुएगा मेरी गाड़ी को और कॉर्पस मतलब मैकेनिक वाले के पास अब एक्चुअल फिजिकल पोजिशन आ गया गाड़ी का बिल्कुल आ गया ठीक है अब ए नाम का व्यक्ति है ए नाम के व्यक्ति ने गाड़ी को चुरा लिया जो कि मैकेनिक के पास रखी हुई थी तब क्वेश्चन ये आता है ए नाम के व्यक्ति ने अपराध मैकेनिक के अगेंस्ट में करा है या ओनर के अगेंस्ट में करा है चोरी का सीधी सी बात है किसके खिलाफ करा है मैकेनिक यहां में, तो में क्या वर्ड यूज करा हुआ है ठीक है मैंने आ, जो वर्ड यूज करा हुआ है क्या वर्ड यूज करा हुआ है मैंने नहीं मतलब बेरक ने सेक्शन 378 में क्या वर्ड यूज करा हुआ है आउट ऑफ दी पोजिशन

सेक्शन नंबर 27 हमें आईपीसी का पढ़ना पड़ता है क्या बात करता है ये सेक्शन नंबर 27 आईपीसी का बोलता है कि भाई देखो इसके अंदर एक सिंपल सी बात है ठीक है इसके अंदर एक सिंपल सी बात क्या बोली जाती है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि मूवेबल वाली आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि मूवेबल वाली वो अगर आपने किसको दे रखी है अपने क्लर्क को दे रखी है या अपने सर्वेंट को दे रखी है या अपनी वाइफ को दे रखी है तो ऐसे केस में वो जो प्रॉपर्टी की जो पोजेशन होगा वो जो प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा वो उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिए, जैसे कि मान लेते ए नाम के व्यक्ति के पास अपना लैपटॉप है ठीक है अपना लैपटॉप है ए नाम के व्यक्ति ने वो लैपटॉप जो है अपने क्लर्क को दे दिया या अपने सर्वेंट को दे दिया रखने के लिए कि भाई अभी तू रख ले अपने पास या ऑफिस में रखे ऑफिस में रखा हुआ था ऑफिस में आपका क्लर्क या सर्वेंट काम करता है या घर पे आपका लैपटॉप रख रहा है आपकी वाइफ घर पे होती है ठीक है ये लो आपने वाइफ अपने वाइफ के पास में रखवा रखा है तो देर इज अ क्वेश्चन कि अब इस लैपटॉप का अब इस लैपटॉप का जो पोजेशन है यानी कि अब इस लैपटॉप का जो ये एनिमस है कॉर्पस है जो मैंने आपको अभी इतनी देर से सिखाया ठीक है तो अब इस लैपटॉप का जो पोजेशन है वो किसके पास रहेगा क्या वो ए के पास रहेगा या सर्वेंट के पास रहेगा या क्लर्क के पास या वाइफ के पास इस क्वेश्चन का जवाब हमें सेक्शन देता है सेक्शन सेक्शन कहता कहता है ऐसी कहता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन सिचुएशन में में कि भाई साहब जो लैपटॉप का जो पर्टिकुलर पोजेशन है वो किसके पास रहेगा ए के पास ही रहेगा ठीक है वो जो लैपटॉप का पोजिशन है वो माना जाएगा ए के पास में ही है तो फिर क्लर्क सर्वेंट ये वाइफ के पास क्या रहेगा इन तीनों के पास रहेगा केवल और केवल कस्टडी अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी ऐसा कैसे भाई देखो आपका अपना ऑफिस है ठीक है ये आपका ऑफिस है इस ऑफिस में दो लोग काम करते हैं ठीक है दो लोग काम करते हैं समझ रहे हो एक क्लर्क हो गया एक सर्वेंट हो गया और आप हो मालिक आप हो यहां पे मालिक ठीक है समझ में आ गई अब यहां पे लैपटॉप भी है चेयर भी है फाइल्स भी हैं मोबाइल्स भी रखे हुए हैं आपके रखे हुए हैं सब

इन दोनों के अगेंस्ट में अपराध करा या अगेंस्ट में अपराध करा तो ये जांचने के लिए देखना पड़ता है आपको जो जो भी भी तो बताया क्लर्क के हाथ में होता है सर्वेंट के हाथ में होता है वाइफ के हाथ में होता है तो कानून के अंदर यह बात क्लियर है तो इनके पास पोजेशन तो नहीं होगा केवल कस्टडी होगी पोजेशन

चलिए आगे चलते हैं फिर हम इसी बात पे अब इसके बाद आता है कंसेंट हमारा आईपीसी के अंदर जो ये कंसेंट नाम का शब्द है ये कहीं पे डिफाइन करा, करा हुआ है हां जी भाई सेक्शन नंबर नाइनटी के अंदर सेक्शन नंबर नाइनटी क्या कहता है कि भाई देखो कंसेंट जो है ना वो फ्री होनी चाहिए ठीक है भाई अगर कोई बिलो ट्वेल्व इयर्स के बंदे ने कोई कंसेंट दिया है वो तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर कोई मिसकंसेप्शन से कंसेंट ली है वो आपकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर किसी ने आपसे फ्रॉड से आपकी कंसेंट लिया वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी कंसेंट भाई फ्री होनी चाहिए और फ्री कब होगी जब 12 साल से ऊपर के व्यक्ति ने कंसेंट दी हो जब वो मिसकंसेप्शन से ना ली हो जब वो फ्रॉड से ना ली हो तो वो कंसेंट कंसेंट सेक्शन नंबर 90 इतनी सी बात बोल के हमें खत्म कर देता है ठीक है सेक्शन नंबर नाइनटी हमें इतनी सी बात बोल के खत्म कर देता है बस तो यहां पे अगर मैं बेरक पढ़ता हूं अपना अगर मैं बेरक पढ़ता हूं तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बेरक के अंदर बेरक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आ, मैं दोबारा बेरक रीड करवाऊंगा टेंशन नहीं लेना हमने पढ़ा था इंटेंशन क्या है है बंदे की डिसऑनेस्टली क्या लेने के लिए प्रॉपर्टी लेके जाऊंगा जो कि पोजेशन में किसी के रखी हुई है ठीक है और उस बंदे की बिना कंसेंट से लेके जाऊंगा भाई मैं अभी जो कंसेंट कंसेंट है ये मतलब कि सेक्शन नंबर 90 वाली जो कि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए हाँ बताओ क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई चलो ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई फिर इसे रब कर देते हैं अभी अपने नोट्स पे आ जाते हैं हम ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई चलो ये भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई है हम आगे चलते हैं फिर इसी बात पे अब ना एक शब्द आता है हमारा जो आपको कोई जीवन में पढ़ाएगा नहीं है क्योंकि तो उन्हें पता ही नहीं होता क्योंकि दुनिया को यह चीज पता ही नहीं होती है तो आपको यह चीज कभी कोई पढ़ाएगा नहीं जो बट मेरी जिम्मेदारी है मेरे को बताना है इसका मतलब होता है पोजेशन लेस प्रॉपर्टी जैसे कि हमारे गलियों में या छत पे बर्ड्स होती हैं ठीक है डॉग्स होते हैं या एनी एनिमल जो कि मैं बोल सकता हूं लावारिस ठीक है स्ट्रे डॉग्स होते हैं हा है ना लवार होते हैं अब उनका अगर कोई चुरा ले उनको मतलब कि उठा के ले जाए आपके घर की गली छत पे एक चिड़िया थी आपने पकड़ा पिंजरे में डाल दिया और अपनी पालतू चिड़िया बना लिया नाउ हो इज अ क्वेश्चन क्या आपने चोरी करी है एक गली में डॉगी घूम रहा था आपने उसको पकड़ के अपने घर पे ले आए उसको पालतू रख लिया उसको पालने लग गए इज अ क्वेश्चन क्या आपने वो डॉगी के साथ में चोरी करी है मतलब डॉगी की चोरी करी है नहीं करी द आंसर इज नो ऑफेंस इट इज नो ऑफेंस ये बात को याद रखिएगा यहां पे आपका कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा आपने कोई भी तरह का अपराध नहीं करा है अब ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं रेस नोलेस बोलते हैं ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं रेस नोलेस जो कि पोजेशन लेस प्रॉपर्टी है तो ऐसे किसमें कोई अपराध नहीं बनता चोरी का क्लियर हो गई मेरी बात

अपने अपने कपड़ों में तलवार छुपा के लेके गए हो कोई मैं चोरी करने जा रहा हूं अगर कोई मेरे को रोकेगा हाथ काट दूंगा मैं से उसके तलवार मार काट दूंगा या बंदूक रखे गए हो कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को रोकने के लिए आया मैं उसको बंदूक से उड़ा दूंगा अपने क्लियर करके गए थे इसलिए आपने अपने बॉडी में अपने कपड़ों में जो है बंदूक छुपा रखी थी ठीक है कि अगर कोई भी चोरी करते वक्त मेरे को रोकेगा मैं गोली मार दूंगा भाई उसे या मैं उसे मार दूंगा तो ऐसे और आपको किसी ने रोका नहीं आपकी किस्मत अच्छी थी आपको किसी ने रोका नहीं टोका नहीं आप चुपचाप गए अपने कपड़ों में बंदूक रख के तिजोरी खोली पैसे निकाले और आप अपना आराम से चले गए और अपने बल्ले बल्ले हो गए बीच रस्ते में आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया अब इस केस में आपके ऊपर कौन सा अपराध चोरी का तो अपराध होगा तो क्या सिंपल चोरी है नहीं डेलिंग हाउस वाली चोरी है हाँ बट यार आपके बॉडी में से आपके कपड़ों में से आ, बंदूक निकली है तो तब ये यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन वाला अपराध आ जाएगा दस साल की सजा मिलेगी तो इससे में क्या सीख सीखने को मिलता है तीन सात सात दस।, दस।, दस क्लियर है मेरी बात यहां तक क्लियर हो गया चलो फिर इसी बात पे आगे चलते हैं हम इसी बात पे आगे चलते हैं अब आती है बात एक्सट्रोशन एक्सट्रोशन की भाई और थेफ्ट सेम मैं है मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था थेफ्ट में क्या होता है मैं सामने वाले की पोजिशन से प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं है हाँ ना चुपचाप चुपचाप मैं चाप, चुप चाप से प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं क्या एक्सट्रोशन में भी ऐसा होता है एक्सट्रोशन में ऐसा नहीं होता और मैंने क्या बताया था आपको भले ही इन सारे अपराधों में चोरी करने से पहले मन बना चुका चोरी करनी है सामने वाले बंदी के साथ में डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट करना है मेरे को रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन पहुंचाना ही पहुंचाना है अब भले वो चोरी हो एक्सट्रोशन हो रॉबरी हो या डेकोइटी हो एम आई क्लियर ठीक है तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई अब क्या है थोड़ा सा का लेवल बदल जाता है होता है होता अगर जो है मैं इंटेंशनली अगर जो है मैं इंटेंशनली सोची समझी रंजिश से सामने वाले व्यक्ति को डर पहुंचाता हूं सामने वाले व्यक्ति को डर पहुंचाता हूं और यह जो डर है ना यह किस चीज का डर कि मैं तेरे को क्या कर दूंगा हर्ट कर दूंगा या डेथ कर दूंगा या कर दूंगा ये तीन तीन चीजों मैं डर तीन में से कोई भी एक चीज का डर पहुंचा देता हूं आ, किस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को मैं पहुंचा रहा हूं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को ठीक है मैं डर पहुंचाता हूं जिससे कि सा, सामने वाले व्यक्ति को डिसऑनेस्टली तरीके से इंड्यूस करता हूं इंड्यूस मतलब उकसाता हूं या ऐसे उसके सामने हालात पैदा कर देता हूं बेटा अब तो तू बच नहीं पाएगा अब तो तेरे को मेरे अब तो तुझे तु अपनी प्रॉपर्टी मुझे देनी ही पड़ेगी मुझे त्र... मेरे नाम पे ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी बेटा तेरे सामने मैंने ऐसे हालात तेरे को ऐसा डर पहुंचा दिया है किस लिए इंड्यूस कर रहा हूं ताकि वो मुझे क्या करे डिलीवर करे इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवर करे प्रॉपर्टी अब क्या मूवेबल इमूवेबल ऐसी कोई बात लिखी है नहीं लिखी तो एक बात क्लियर है कि जो एक्सट्रोशन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है तो लिख लेते हैं movable property हो या हो 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? कोई दिक्कत दिक्कत वाली वाली बात बात नहीं नहीं है, है है ठीक कि वो movable property हो या immovable property हो, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है valuable security नाम की चीज है आईपीसी में क्या होता है ये ये हीरे मोती होते क्या

क्या डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे और कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो या फिर कोई मेरे को वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे को डिलीवर कर दे या कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे जिसको मैं कन्वर्ट करके वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकूं ठीक है अब ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी हीरे जवाहरात सोना चांदी ये होता है नहीं आईपीसी की नजर में सेक्शन नंबर थर्टी में एक डॉक्यूमेंट और वो डॉक्यूमेंट जिससे आपका राइट क्रिएट हो रहा हो होस्टिंग्लिश हो रहा हो ट्रांसफर हो रहा हो कन्वर्ट हो रहा हो ये सारी चीजें क्लियर है मेरी बात सबको चलो यहां तक मुझे समझ में आ गया अब यहाँ पे वर्ड यूज करा हुआ है इंजरी मैं आपको अगर करके रीड करवा देता हूं। जब तक रीड नहीं करेंगे मजा नहीं आता ठीक है, रीड़, रीड़ करना जरूरी है, है जीवन में हमेशा बेरक को प्रायोरिटी देनी पड़ती है क्या बोला है इसमें कोई भी व्यक्ति लड़का हो लड़की हो थर्ड जेंडर हो इंटेंशनली जानबूझ के मतलब सोची समझी रंजिश से

माइंड रेप्युटेशन प्रॉपर्टी के ऊपर नुकसान पहुंचाना ठीक है मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था अब मैं बेरक्ट ये बेरेक्ट बंद कर रहा हूं नोट्स की तरफ चलते हम अपने इंजरी हमारे को डिफाइन है सेक्शन नंबर फोर्टी फोर में क्या बोला है कि भाई इंजरी का मतलब अगर बॉडी में या माइंड में या रेप्यूटेशन में या प्रॉपर्टी में क्या पहुंचाते हो भाई हम पहुंचाते हो हम नुकसान पहुंचाते हो भाई तो मेरे माइंड में बॉडी में हम पहुंचा रहे हो या माइंड में या में प्रॉपर्टी में तो इंजरी करी से बोलता है कि मुझे एक करोड़ रुपए डिलीवर कर दे अगर तूने को एक करोड़ रुपए नहीं दिए तो कल के न्यूजपेपर में तेरी फोटोग्राफ पब्लिश करवा दूंगा या तेरी व्हाट्सएप चैट पब्लिश करवा दूंगा या कुछ भी न्यूज पेपर में पब्लिश करा दूंगा नाउ इज अ क्वेश्चन क्या ए नाम के व्यक्ति ने एक्सट्रॉशन करा है क्या ए के ऊपर द आंसर इज यस क्यों क्योंकि ए नाम के व्यक्ति ने बी को क्या पहुंचाई है इंटेंशनली डर पहुंचाया है और इंजरी कॉज करने का डर पहुंचाया है बिल्कुल इंजरी के अंदर क्या रेपुटेशन आती है क्या बिल्कुल इससे बी की रेपुटेशन का डर है खराब होने का बिल्कुल है तो ए ने एक्सट्रॉशन करा क्या करने के लिए डिलीवर कराने के लिए क्या डिलीवर कराने के लिए एक करोड़ रुपए एक करोड़ रुपए अपने आप में मॉनेटरी वैल्यू है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है बिल्कुल है ठीक है क्लियर है मेरी बात तो क्या एक के ऊपर एक्सट्रॉशन का चार्ज लगेगा बिल्कुल लगेगा थ्री एट्टी फाइव के तहत इसको हम क्या बोलेंगे एक्सट्रॉशन के लिए भैया पनिशमेंट में ले जाएंगे थ्री एट्टी थ्री के तहत ये ऑफेंस हमारा ए के द्वारा जो करा गया है वो कौन सा करा गया है एक्सट्रॉशन का करा गया है किसी को यहां तक कोई डाउट है किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता दो आगे चलते हैं अब ये वैल्यूबल सिक्योरिटी मैं आपको बता ही चुका हूं सेक्शन नंबर के हूँ वेल्यूबल सिक्योरिटी मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम अपना राइट को क्रिएट कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटिंग कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है ये सब चीजें हमारे वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आती है मैं ना आपसे थोड़े बहुत एक आधे क्वेश्चन भी पूछूंगा जैसे मेरा ये जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं पहले वो खत्म कर दूं फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी पूरी पानी की तरह साफ हो जाएगी ठीक है आपको एग्जाम में कोई भी तरह का कैसा भी उल्टा सीधा आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कोई भी से पूछ ले आप कभी अटकोगे नहीं याद रखना जो टॉपिक समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना ठीक है डिलीवरी यहां पे वर्ड यूज करा हुआ है डिलीवरी हमारे बेरट के अंदर डिलीवरी वर्ड यूज करा हुआ है ये देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली किसी भी व्यक्ति को डर पहुंचाता है इंजरी कर दूंगा मैं तेरे साथ में या फिर डिसऑनेस्टी तरीके से इंड्यूस करता है डर पहुंचाते हुए डिलीवर डिलीवर करने के लिए यहां पे वर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है वर्ड लिखा हुआ हुआ है है हमारा ना डिलीवर आपकी स्क्रीन के साफ दिखाई दे रहा है सबको साफ दिखाई दे रही है स्क्रीन सभी लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है मैं भी जरा अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूं क्वालिटी बढ़ा लेना स्क्रीन की मैंने एच क्वालिटी करी हुई है तो आप एच में भी देख सकते हो ठीक है तो एच क्वालिटी में कर लेना ये सेटिंग्स पे जाके करते हैं ना सेटिंग्स पे जाके यहां अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना कुछ लोग कहते हैं सर आपकी स्क्रीन वैसी है तो भाई क्वालिटी बढ़ा लिया करो मोबाइल की उससे ठीक हो जाएगा ठीक है चलो क्लियर है मेरी बात एक बारी आपकी चैट तो ओपन कर दूंगा चलो तो डिलीवर अब ये डिलीवर की बात करी है क्या थेफ्ट के अंदर हमने डिलीवर की बात करी थी नहीं यार थेफ्ट में तो चुपचाप उठा के लेके जानी थी और एक्सट्रॉशन में क्या है अपने खड़े रहो सामने वाला बंदा खुद डिलीवर करने आएगा मेरे घर पे ठीक है में क्या था मुझे खुद जाना पड़ रहा था कि प्रॉपर्टी लेने के लिए और यहां पे में अपना बंदा आएगा डिलीवर करने के लिए फर्क है बस समझ में आई मेरी बात या नहीं चलो फिर इसी बात पे नोट्स पे आ जाओ दोबारा तो डिलीवर का मतलब ओवर स्नैचिंग नहीं होता भाई स्नैचिंग एक तरह से चोरी होती है कि आपके आपने पर्स टांगा हुआ है मैं आपके आया और स्नैच करके ले गया स्नैच करके ले गया यानी मैं खुद आया हूं आपके पोजिशन में आपका पर्स है छीना है मैंने स्नैच करा है तो ये चोरी का मुकदमा है और जो आपको छीना झपटी में आपको चोट वोट भी लगी होगी तो साथ में मेरे ऊपर आप हर्ट का चार्ज भी लगा दोगे ठीक है क्लियर है मेरी बात तो स्नैचिंग हमारा चोरी में जाता है स्नैचिंग हमारा चोरी में जाता है याद रखना और एक्स्ट्रोशन में हैंडिंग ओवर होता है बंदा सामने से खुद देगा मेरे को कुछ छीना झपटी मेरे को खुद जाके लेने की जरूरत नहीं है बंदा खुद आएगा और मेरे को खुद डिलीवर करेगा क्लियर है चलिए ये बात मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है और इसे एक छोटा सा फैक्ट और समझ लो सेक्शन नंबर थ्री सेवनटी नाइन ए थ्री सेवनटी नाइन बी ये आप हरियाणा का पेपर देने जा रहे हो ना जो लोग उनके लिए बता रहा हूं तो यहां पे ना हरियाणा सरकार ने 2005 में शायद 15 में सॉरी 2015 में 15 में 2015 में, 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 में अमेंडमेंट करके ना आईपीसी में ये अपनी स्टेट के लिए हरियाणा स्टेट के लिए केवल ये दोनों सेक्शन ऐड करे थे कि भाई अगर कोई स्नैचिंग वे, स्नैचिंग वगैरह करता है ना तो उसके ऊपर हम चोरी का मुकदमा नहीं चलाएंगे उसके लिए हम लिए एक सेक्शन बना रहे हैं स्नैचिंग स्नैचिंग तो उसके स्नैचिंग का मुकदमा चलेगा जिसमें सजा पांच से दस साल तक की मिलेगी बस ये याद रखना ऐसी फैक्ट की बात है हरियाणा वालों के लिए केवल केवल ये चीज लागू है हमारा हरियाणा के स्टेट में ही और बाकी स्टेट में नहीं हरियाणा में है केवल समझ गए मेरी बात चलो बढ़िया 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 आगे चल लेते हैं बात पे आगे चल लेते हैं अब कोई रॉबरी करने आ रहा है अब रॉबरी का मैं आ, बता देता हूं देखो रॉबरी अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है रॉबरी जब ही होगी जब या तो चोरी होगी या यान होगी ठीक है हम हमारे को कॉलेजेस में या हम किसी पर टीचर वीचर पे पढ़ते हैं हर कोई बताता है भाई बस यही होता है ठीक है हर कोई बताता है बस यही चीज होती है लेकिन आपको आधी अधूरी चीज बताई जाती है याद रखना है आपको जीवन में आधी अधूरी चीज बताई जाती है केवल आपको यही बताया जाएगा कि या तो चोरी होगी और वर्ड है यहां पे या तो चोरी होगी या तो एक्सट्रॉशन होगा रॉबरी करते हुए लेकिन अगर मैं बोलूं अपराध एक उसमें आधी चोरी है और आधा एक्सट्रॉशन है क्या यह पॉसिबल है बताओ क्या यह पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है जैसे कि ए नाम के व्यक्ति ने बी को क्या पहुंचाया पीयर पहुंचाया इंजरी करने का ठीक है पहुंचाया इतनी बात क्लियर रहे अब इस केस में Uh, कि मैं तुम्हार को तुम्हारी फोटोग्राफ पब्लिश कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा मार दूंगा जान से ठीक है या हर्ट कर दूंगा या रॉन्गफुल कर दूंगा ठीक है ये सब डर पहुंचाया मारे ए को क्या दे दिया डिलीवर कर दिए क्या दस लाख रुपए तो यहां पे फियर भी आ गया और इंजरी फियर जो है इंजरी वाली आ गई ठीक है चलो एक्सट्रोशन का अपराध हो गया ये

बिल्कुल कर दिया यार बिल्कुल कर दिया तो यहां पे मैं और ये सब जब हो रहा था ए ने बी को क्या पहुंचा रखा था डर पहुंचा रखा था इंस्टेंट इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का इंस्टेंट एकदम मार दूंगा मैं बी नाम के व्यक्ति को तो एकदम मार दूंगा अगर तूने दस लाख रुपए मुझे नहीं दिए तो एकदम मार दूंगा या आ, अगर तूने मुझे अपना पर्स नहीं दिया एकदम मार दूंगा तो 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 तेरा पर्स भी दे मुझे तो वैसे में यहां पे एक, तो एक तो का अपराध है ठीक है लिख देता हूं मैं तो पे आधा एक्सट्रोशन आधा मैं बोल सकता हूं रॉबरी में क्या क्या इंक्लूडेड है आधा हमारा और आधा एक्सट्रोशन इंक्लूडेड है तो ये आपकी बात मैंने प्रूव कर दी कि केवल यही नहीं होता है यह भी होता है आधा थेफ्ट आधा एक्सट्रोशन क्लियर है मेरी बात बताओ सभी लोगों को ये बात क्लियर हुई ठीक है जी चलो बढ़िया बात है अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो हम इतने आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब ये जो रॉबरी है ये रॉबरी अपना अपराध कब होता है रॉबरी का कि भाई जब मैं रॉबरी कर रहा हूं तो मैं रॉबरी करते हुए क्या पहुंचा रहा हूं इंस्टेंट ये देखो सिंपल सी बात याद रखना हमेशा रॉबरी में दो बातें याद कर रखना पहली बात क्या है या तो मैंने डेथ कर दी है या तो मैंने हर्ट कर दिया है या तो मैंने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया हाथ पैर बांध दिया बंदे के हाथ पैर मैंने बांध दिए या मैंने सर पे डंडा मार दिया है या मैंने गोली मार दी है उसके बाद मैं जो है आ, आपके पास जो भी गहने होंगे पैसे होंगे वो सब लूट लाट के मैं लेके जा रहा हूं तो मैंने अपराध ग्रॉबरी का करा है या फिर मैंने ना तो मारा नहीं है अभी आपको मैंने ना ही हट करा ना ही आपके हाथ पैर बांधे लेकिन मैंने जो आपको जो फियर पहुंचाया वो इंस्टेंट वाला पहुंचाया इंस्टेंट ठीक है किस चीज का फियर वो हिदायत कर दूंगा मैं तुम्हारी अगर तुमने मेरे को रोका डेथ कर दूंगा या हर्ट कर दिया करने का, या करने का का या रिस्ट्रेन बस जब मैं कर रहा था उस टाइम पे या तो मैंने डेथ कर दी हो या हर्ट कर दियो या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया जब मैं रॉबरी कर रहा था तो मैंने या तो आपको इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब अभी के अभी मार दूंगा डेथ कर दूंगा अभी के अभी हर्ट या अभी के अभी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दूंगा ठीक है तो ये सब करते दौरान इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग जब मैं रॉबरी कर रहा था तब मेरी मैंने ये हालात पैदा करे उसके बाद फिर मैंने को जो पसंद आया मैंने चुरा लिया उसके बाद जब मुझे जो चीज पसंद आई मैंने चुरा लिया यार ठीक है समझ में आ गई मेरी बात चलो या फिर चुराने के बाद जब मैं वो आ, हीरे हीरेवरा का थैला लेके जा रहा था लेके जा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको इंस्टेंट फीर ऑफ देस हर्ट, या हर्ट या कर दिया हो या डेथ कॉज कर दिया या हर्ट कॉज कर दिया हो या रॉन्गफुल डिस्टेंट कर दिया हो ये तब की बात है या फिर मैंने डब्बा हीरे जवरात पैसों का थैला में उठा ही रहा था अटेम्प्ट कर रहा था उस टाइम पे कोई रोकने आ गया मुझे तब मैंने डेथ कॉज कॉज कर कर दियो हर्ट रॉन्गफुल कॉज कर दिया या फिर डेथ हर्ट रॉन्गफुल रिश्त का इंस्टेंट फियर पहुंचाया हो तो यह तब की बात आ जाएगी तो ऐसे केस में ऑफेंस कौन सा बन जाएगा रॉबरी का बन जाएगा या तो मैं आपके घर में घुसा आपके हाथ पर बांध दिए और आपकी आपके घर से तिजोरी खोली और पैसा निकालने लगा तो कौन सा अपराध है चोरी लेकिन मैंने आपके हाथ पैर बांध दिए तो ये आ गया ना रॉन्गफुल का तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा अपराध बन जाएगा चोरी ना होके, थेफ्ट बिकम्स रॉबरी फिर मैंने आपके सर पे बंदूक रख दी गोली मार दूंगा अपने पास जो भी आपके गहने हैं सब लोग अपने अपने गहने उतार के इस थैले में डालते रहो इस बक्से में बक्से में डालते रहो तो आपको मैंने इंस्टेंट इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ कॉज कर दिया अगर किसी ने अपने गहने उतार के मेरे डब्बे में नहीं डाले थैले में नहीं डाले मार दूंगा तो इंस्टेंट कर दिया तो आपने खुद अपनी मर्जी से गहने उतार के डिलीवर करे मेरे को मेरे को यानी कि मेरे बक्से बक्से में में भरते रहे तो ये ये कौन सा अपराध हो गया एक्सट्रोशन बिकम्स रहेबरी वाइल्ड कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और और कमिटिंग ऑफ एक्सट्रोशन कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्सट्रोशन या अटेम्प्ट टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सट्रोशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स Uh, हमारा क्या हो जाता है रॉबरी बन जाती है Extortion becomes robbery. इतनी सी बात सबको? और अगर ये जो कार्य है ये तो केवल एक कर रहा है एक इंसान है इसके साथ चार बंदे और होते टोटल कितने बंदे होते पांच बंदे होते टोटल ठीक है ये पांच लोग क्या करने जा रहे हैं रॉबरी का अपराध करने जा रहे हैं ये पांच लोग प्लस ये क्या करने जा रहे हैं रॉबरी का अपराध करने जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इस चीज को हम क्या बोलते हैं बोल देते हैं बात ही खत्म हो जाती है जो कि हमारा सेक्शन नंबर 391 के अंदर मेंशन करा हुआ है इतना दिमाग लगाना ही नहीं क्लियर है मेरी बात रॉबरी कोई एक बंदा करे दो करे तीन करे चार करे रॉबरी है जैसे ही पांचवा बंदा और आ गया तो पांच बंदे अगर रॉबरी करने जा रहे हैं तो उसको रॉबरी से नहीं बोलाएंगे, उसे बोला बोलेंगे देकेती हिंदी में में इंग्लिश थोड़ा ओ लगा दो बस तो 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 है। है ये था हमारा पॉइंट हमें थोड़े से एक आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं देखने के लिए आप कितना पानी में हो मैं थोड़े से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोग इसका जवाब देना गिव मी टेन लाख रुपीज अदरवाइज आई विल कॉल पुलिस नहीं ये छोड़ो चलो मैं पूछ लेता आपसे मैं नया पेज ले लेता हूं यहां पे ना क्या है ए नाम एक मिनट रुको जरा नाम के व्यक्ति ने बी को बोला ए नाम के व्यक्ति ने बी को क्या बोला कि भाई मेरे को दस लाख रुपए दे दे मेरे को दस लाख रुपए दे 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 क्यों भाई अगर तूने मुझे दस लाख रुपए नहीं दिए तो मैं जो है पुलिस वालों को बता दूंगा मैं जो है पुलिस वालों को बता दूंगा क्या बता दूंगा पुलिस वालों को कि भाई तेरे घर के पीछे एक गार्डन है ठीक है और तूने गार्डन के अंदर एक डेड बॉडी को गाड़ के रखा हुआ है एक डेड बॉडी को तूने गाड़ के रखा हुआ है यह मैं जो है पुलिस वाले को बता दूंगा अब बताओ ए ने कौन सा अपराध करा वॉट ऑफेंस कमिटेड बाय ए वॉट ऑफेंस कमिटेड बाय ए पहली बात इसने डर पहुंचाया इंजरी करने का इसने फियर पहुंचाई ए ने डर पहुंचाया सीधी सी बात है ये कौन सा अपराध होगा हमारा एक्सप्रोशन का अपराध होगा बात ही खत्म हो जाती है ठीक है चलो ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया बढ़िया बात है फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा हूं जवाब देना आप लोग ए नाम के व्यक्ति ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और पॉइंट आउट कर दी किसको बी नाम के व्यक्ति को और बी को बोला भैया जो तुमने ज्वेलरी पहन रखी है ना वो तो सारी की सारी ज्वेलरी उतार के मुझे दे दो सारी ज्वेलरी उतार के मुझे दे दो अब क्वेश्चन बताओ ए ने क्या अपराध करा है क्वेश्चन बताओ ए ने क्या अपराध करा है ए ने पिस्टल निकाली बी पे पॉइंट आउट करी तुम्हारे पास जितनी ज्वेलरी है जितना कैश है मोबाइल वोबाइल सब मेरे को दे दो दे दो दे दो दे दो तब ए ने कौन सा अपराध करा है जस्ट टेल मी द ऑफेंस वॉट ऑफेंस ए हैड कमिटेड ए ने यहां पर अपराध करा है कौन सा करा है रॉबरी का करा है भाई साहब ये पिस्टल दिखा के भाई यहां पर इंस्टेंट फियर नहीं आ गया यह अपने आप पे इंस्टेंट फियर नहीं आ गया इंस्टेंट फियर किस चीज का भाई डेथ कॉज करने का ठीक है तो अपने आप में रॉबरी नहीं होगा बताओ जरा क्लियर है मेरी बात सबको क्लियर हो गया हाँ ये तो यार छोटे छोटे क्वेश्चन है इन के लिए तो आप लोग बिल्कुल मास्टर हो जाने चाहिए हो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा समझना एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा समझना ध्यान से समझना मैं फैक्ट समझा रहा हूं ए जो है क्या करने जा रहा है चोरी करने जा रहा है ए नाम का व्यक्ति चोरी करने जा रहा है चलो ठीक है किसके घर में बी के घर में ए नाम का व्यक्ति चोरी करने जा रहा है किसके घर पे बी के घर पे, पे। सुन में आ गई ठीक है फिर क्या हुआ ए ने क्या चुराया मान लेते कुछ भी चुरा लिया यार मोबाइल चुरा लिया चलो आईफोन चुरा लिया मोबाइल चुरा लिया तो ए नाम का व्यक्ति बी के घर पे गया बी के घर से मोबाइल निकल के घर से बाहर निकल रहा है और जब घर से बाहर निकल गया बी को पता लगा अरे मेरा मोबाइल जो है ए नाम का व्यक्ति लेके भाग रहा है तो बी भी, भी भागा तो ए जो है अपना भागने लगा इसका पीछा करते करते बी भी, भी भागने लगा बी के साथ साथ इसके पड़ोसी भी आ गए ठीक है जो कि ए नाम के व्यक्ति का पीछा करने लगे एरो जो है ना यहां लगा देता हूं मैं तो ये सभी लोग किसका पीछा कर रहे हैं ए का पीछा कर रहे हैं ए आगे आगे और बी सी डी उसका पीछा कर रहे हैं पीछे पीछे क्लियर है मेरी बात समझ में आ गई चलो फिर जब पीछा कर रहे थे ए ने क्या कर दिय؟ दिया मोबाइल को फेंक दिया मोबाइल को फेंक दिया कि भाड़ में जाए मोबाइल मेरे तो ये पीछे ही पड़ गए हैं बी सी डी तीनों मेरे पीछे ही पड़ गए हैं भाड़ में जाए मोबाइल तो मोबाइल फेंक दिया ठीक है तो ऐसे केस में फिर भी जो है मोबाइल फेंकने के बाद भी ए भागे जा रहा है भागे जा रहा है और जो बी सी और ये जो डी है ये फिर भी इसका पीछे करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं ठीक है क्लियर हो गई मेरी बात चलो ये सिचुएशन है फिर इन द मीन टाइम ए ने क्या करा पत्थर वत्थर फेंके ए नाम के व्यक्ति ने इनके ऊपर पत्थर फेंके स्टोन पत्थर वगैरह फेंके समझ में आ गए मेरी बात ठीक है पत्थर वगैरह फेंके अब इस केस के अंदर आ, पत्थर जो है डी के सर पे लग गया थोड़ी बहुत चोट वोट आ गई या या सी के लग गया, या के लग बी थोड़ी बहुत इंजरीज आ गई इनको हाथ पैर पे लग गई ठीक है चलो फिर इसके बाद, बाद में ए नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद इसको पुलिस स्टेशन ले गए गए ए नाम के व्यक्ति को फिर पुलिस स्टेशन ले गए ए को पुलिस स्टेशन लेके ए को, ले को प्रोसिक्यूट करा गया चीज के लिए रॉबरी के लिए ए को प्रोसिक्यूट करा गया रॉबरी के लिए नाउ क्वेश्चन ये है कि ए के ऊपर चार्ज रॉबरी के जो सजा होगी क्या वो रॉबरी के लिए होगी या किसी और अपराध के लिए होगी ये मेरा क्वेश्चन है क्या ए के ऊपर जो चोरी जो सजा होगी क्या वो रॉबरी के लिए अंदर जाएगा या कोई और सजा के लिए अंदर जाएगा ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से मैं फैक्ट्स दोबारा बता देता हूं ए नाम के व्यक्ति ने चोरी करने की मन बनाया मैं बी चोरी करूंगा बी सी डी पीछे पीछे भाग रहे हैं बी सी डी मतलब सी और डी के पड़ोसी है एग्जाम्पल की तौर तो मैंने अब ए ने डर के मारे मोबाइल फेंक दिया कि भाड़ में जाए मोबाइल मेरे को नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मोबाइल फिर भी बी सी डी उसका पीछा करने लगे ए का और ए ने पत्थर मारे फिर बाद में ए को पकड़ लिया गया के ऊपर प्रोसिक्यूट करा गया ट्रायल चलाया गया आ, किसका रॉबरी का नाउ अ क्वेश्चन कि ए के ऊपर जो सजा होगी वो रॉबरी की होगी या कोई और देखो इसके अंदर ए को सजा होगी केवल सिंपल थेफ्ट की मतलब अगर घर से घर से चुराया है तो 380 की सजा होगी 380 के लिए जाएगा तो आप लोग सोच सर ये कैसे देखो सिंपल सिंपल सी बात है इतना दिमाग हमें खर्च करना ही नहीं यहाँ पे यहां तक की कहानी बढ़िया थी सिंपल चोरी चोरी घर में घुसे चुपचाप करके अपना भाग लिए तो तो का तो तो का काम खत्म हो गया अब जब इसके पास चोरी है, चोरी करी हुई है तो हमने यहां पर प्रॉपर्टी कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी तो ये भी कैरिंग अवे है हाँ इस टाइम पे ए नाम के व्यक्ति ने बी सी डी को कोई इंजरी पहुंचाई नहीं पहुंचाई हर्ट पहुंचाया नहीं पहुंचाया ठीक है अब इसने फिर बाद में अपना मोबाइल फेंक दिया फेंकने के बाद फिर ए ने पत्थर पत्थर मारे बी को सी को डी को तब इनको हर्ट वर्ट हुआ तो तब इस केस में तुम खुद बताओ तब इन केस में तब इस केस में क्या यहां पे आ, मोबाइल उसके हाथ में था नहीं था रॉबरी करी हुई प्रॉपर्टी उसके हाथ में थी नहीं थी तो तब उसने जब आ, चोरी करी हुई प्रॉपर्टी जो थी उसके हाथ में नहीं थी उसके बाद उसने फेंक दिया तब जाके हर्ट करा तो तब किस बात का रॉबरी रॉबरी के अगर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे वहां पे लिखा हुआ था कि जब आपके हाथ में प्रॉपर्टी हो तब आप हर्ट करो जब आप कैरी अवे कर रहे हो तब आप हर्ट करो तब रॉबरी होगा बट यहाँ तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी फेंक दी उसके बाद हर्ट करा तो इसीलिए यहां पे प्रॉपर्टी हमारे की आएगी प्लस हर्ट का भी चार लगाना चाहो हर्ट का भी लगा दो कौन कौन कह रहा है कौन मना कर है थ्री फिफ्टी टू का भी चार्ज लगा दो ठीक है क्लियर हो गया मेरी बात ये था हमारा आज का सेशन आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा सारी कहानी आपको समझ में आई होगी एंड uh, हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं सर बट व्हाट अबाउट स्टोन्स बालाजी बालाजी स्टोन्स के लिए मैंने हर्ट लगा दिया ना हर्ट के लिए डाल दो क्या दिक्कत है चोट वोट जो मारी है चोट वोट लगी है जो हार्ट लगाओ ग्रीस ग्रीवियस हर्ट लगाओ क्या दिक्कत है हमें ठीक है ये मैं गलत सेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे ये सेक्शन नहीं आएगा थ्री ट्वेंटी थ्री आएगा यहाँ पे सेक्शन थ्री ट्वेंटी थ्री आएगा ठीक है मैंने गलत सेक्शन मैंने असोल्ट वाला बता दिया था ठीक है मैंने असोल्ट वाला बता दिया था क्लियर है बालाजी बालाजी आर्ट आपको क्लियर हो गया स्टोन वंस की पॉइंट क्लियर हो गया ना तो ये था हमारा आज का सेशन जो हमने पूरा थेफ्ट को पढ़ा डेकोइटी को पढ़ा रिविजन परपज से अब ये जो मेरे बैचेज होते हैं ना उनमें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे चीज पढ़ाई जाती है एक एक एग्जाम्पल एक एक पॉइंट पे एक एक शब्द को बताया जाता है तो वो बैच के लिए होता है क्योंकि YouTube पे रिवीजन क्लासेस चलती हैं और जो बच्चा बैच वाला जो इंटरेस्टेड होता है ना वो बैच में उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मौका दिया जाता है YouTube पे क्या है आधे बच्चे आते हैं आधे बच्चे नहीं जाते तो दिक्कत रहती है फिर ठीक है जी चलिए फिर हम मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन में आई होप सभी लोगों को आज की क्लास के अंदर मजा आया आया होगा हम मिलेंगे ऐसे ही कल के सेशन में मैं आपके लिए ले लिए लेके आऊंगा कल भी हम कोई नया टॉपिक आईपीसी को रिवीजन के से कवर अप करेंगे ठीक है अभी तक के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू यू एंड गॉड ब्लेस है जो लोग अपना लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे मेरा आज के दिन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहेगी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय टेक केयर साइनिंग ऑफ